अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? यार आज हम छत पे जाने लगे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यस सर। हाँ, क्योंकि हालात जरा खराब है सीढ़ी के, कभी सीढ़ी ऐसी सही की नहीं है, तो आज हम चलेंगे छत के ऊपर, जरा छत से आपको अपना व्यू दिखाएंगे। लेट्स गो, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। लो यारो, अभी हमने ना आधा रास्ता कंप्लीट किया है, ठीक है। आधे रास्ते पे हम जाएंगे, रास्ता बड़ा डेंजरस है, मैं इस वक्त बड़ी डेंजरस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है। कब्बा भी मेरा आ गया है वो मुझे बचाने के लिए, ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ, पूरी पतली सी जगह है। लो गाइस, फाइनली वी रीच, और हम क्या करने आए हैं, जब बारिश होती है ना पानी बड़ा टपकता है, और वो पानी टपकने की वजह है ये जगह आप देख लें, ये आप देख रहे हो, मैंने इधर बड़ा कुछ किया हुआ है लेकिन ये जगह कुछ हो नहीं सका इसका। ये सारा मैंने ना ऑयल पेंट फेंका हुआ है, इतना महंगा वाला पेंट फेंका है। सीन क्या है जी, मेरा स्टूडियो था गालिब मार्केट, ठीक है, जहाँ मैं जाता हूँ अक्सर डबल रोटी लेने, वहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो बनाया, पैसे लगाए, ठीक है। तो एक दो महीने बाद जो है ना, उन्होंने कहा कि यार ये जगह ना खाली करते हैं, हमने ना किसी को, मालिक ने खुद काम करना है। मैं कहा यार मैंने तो इतने पैसे लगाए डेकोरेशन ये वो, तो वो बड़ा मैं उधर से वो हुआ, मैं कहा यार ये तो बड़ा, कहीं भी जाऊँगा तो कोई ऐसा सीन हो जाएगा तो मैं पैसे लगाता रहूँगा, ज़ाया होते रहेंगे। फिर आपके भाई ने बनाया ये कमरा, ठीक है, और मैं अपने वालिद को सलूट मारता हूँ यार, मैंने उनको जाके ना सलूट मारे ऐसे, जब मैंने ये कमरा बनाया ना अपने पैसों से। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पैरों को पढ़ो उनके और उनको थैंक्स कहो, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है। मेरे कड़ाके निकल गए थे ये छोटा सा कमरा बनाते हुए, और मैं क्या, अबू आपने पूरा घर बना के दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मैं जगह दी रहने के लिए, हम तो इस काबिल नहीं है, बात समझने। ये जो कमरा है ना, ये टोटल ये बनाया भाई ने, और जब ये बनाया है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये लेंटर नहीं तोड़ा हमने, इस लेंटर को ना तोड़ के अगर हम इसको जोड़ के बनाते ना, फिर ये पानी नहीं टपकना था, ये लाइन, ये ना लेंटर नहीं जुड़ा सही, और इधर से पानी गिरता है, ये प्लास्टिक रखा हुआ है वो जो स्टूडियो में गिरता है, ठीक है, और गिरता सीधा सीपीयू के ऊपर, और वो मशीन्स पड़ी होती हैं, बड़ा दिल घबरा रहा होता है। तो वो मैं अब सही ऊपर करने आया हूँ, ये सिचुएशन है भाई। लेकिन मेरे माँ बाप की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने ये घर बनाया यार, मेरी वालदा ने इसको खड़े होकर बनाया था, और अबू उस वक्त सऊदिया होते थे, और उन्होंने भाई ये खड़े होकर बनवाया सारा घर, और अबू सऊदिया से पैसे बेचते थे। आप खुश नसीब हो अगर आपके वालदा आपके साथ हैं, उनकी जितनी कदर की जाए कम है, पूरी हम कोशिश करते हैं फिर भी उनसे कुतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि ये सारा सीन है भाई। एक छोटा सा कमरा बना के ना, मुझे लग पता गया था कि ये मेरे वालिद ने पूरा घर कैसे बनाया है। अभी जो जिनकी शादी नहीं हुई उनको नहीं पता कि बच्चों की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, माँ बाप जो समझा रहे होते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, उसको तब पता चलेगा जब उसके अपने बच्चे होंगे, बात समझ रहे हो, जब उसकी अपनी औलाद होगी, अपने बच्चे होंगे ना, फिर उसको समझ आएगी कि यार अच्छा माँ बाप यार सही कहते थे। मुझे आज मैं कहता हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे ज़िंदगी में जो जो बातें की ना मेरे माँ बाप ने, वो 100% सही थी, कुछ 1-2% का निकाल लो, 100% नहीं तो 2-3% का आप वो कर लो, लेकिन वो भाई आपको वक्त जब गुजरता है ना, जब आपको ठोकरें लगती हैं फिर आपको पता चलता है, वैसे नहीं समझ आती भाई, उससे पहले जो समझ ले वो बंदा होता है जीनियस, और जीनियस कौन होता है, जो किसी के तजर्बे से सीख ले, जो अपना तजर्बे करेगा वो, जैसे हमने किए हैं, एक नॉर्मल बंदा ऐसा ही है, वो अपने तजर्बे करता है और वो अपने तजर्बों से सीखता है, लेकिन जो समझदार बंदा होता है ना जीनियस, वो दूसरे का तजर्बा देखता है, अच्छा यार इसका साथ ये हुआ है, ओए हो यार मैंने अब ये चीज ऐसे कर लेनी है, ये होता है, सही है कि नहीं। तो भाई थैंक्स टू माई डैड, उन्होंने ये घर बना दिया भाई, मैं कमरा बना के मेरी आतड़ियां लगी थी, तो अगेन डैड इट्स फॉर यू, लव यू। तो गाइस आज हम जा रहे हैं, आज रफू करवा के रहना है यार, बस ये मैंने आज देख लिया, रफू करा के रहना है आज, और उधर ही जाएंगे और एक दोस्त को मिलेंगे, फिर आपसे बात होती है, ठीक है। हाँ यार ये दुकान है, यहाँ से हम पूछेंगे रफू हो रहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार दोस्त, इधर चेक करिए, खाना खा लें आप आराम से, कैसे हैं, ठीक है, ये रफू हो जाएगा, चलो मैं 10-15 मिनट तक, चलो मैं 10-15 मिनट तक आ, और सब ठीक है। लो यार काम हो गया आज, आज हमारा रफू हो गया, ठीक है, गाला मार्केट धक्के खाए हैं हमने, बड़े ये शॉपर रखने इसी में डाल दिया, बहुत हमने धक्के खाए हैं गाले मार्केट, और मिल गई है मेरी दुकान, बड़ी अच्छी दुकान है मका कॉलोनी में, इधर पूरा ब्लॉग यहाँ का बनाएंगे किसी दिन, ईजी हो गया, ठीक है, आज दुकान देखो। सो यार ये आज जिस बंदे से मैं को मिलवाने जा रहा हूँ ना, ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, ख्वाजा अलियास, माय फ्रेंड,
आज मैं इससे घर आया हूँ, मेरा फंस है आप लोगों के ब्लॉग्स में, पहली दफा ही भैया आ रहा है। हाय भाई, हाय चलो यार बात होती है, जरा नमाज वमाज पढ़ लें उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है यार? मेरी बात सुनो, हाँ तुम सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो। कमीज हो गई है यार, ये बन गई देखो ना, हां ये काम भी आ पाऊंगा फिर से, जबरदस्त है। अब यार ये काम आज हमारा हो गया, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, घर पहुंच गए हम, होप यू एंजॉय आवर व्लॉग, शाम भी हो गई है।